वेलकम टू एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड वन स्टूडेंट्स, दिस इज योर इस्लामियत क्लास। आज हम इस्लामियत की किताब के सफ़ा नंबर 15 उनवान अल्लाह ताला की किताबें की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 15 पे तारीख 22 अप्रैल 2021 जमात का काम और दिन जुमेरात तहरीर करेंगे। जैसे कि हमने अपने पहले उनवान हमारे प्यारे नबी में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए दुनिया में बहुत से नबी भेजे। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आज हम अल्लाह ताला की किताबें की पढ़ाई करेंगे। अल्लाह ताला क्या छुटिए की क्या फिलिफ्ता बे ये नुनगुना किताबें, अल्लाह ताला की किताबें, अल्लाह ताला नून बड़िए ने अलिफ नून इन सीन अलिफा नून व नो नून गुन्ना इंसानो। स्टूडेंट्स, जो अल्फाज मैंने खत कशीदा किए हैं उनको आप भी अपनी किताब पर खत कशीदा करेंगे। इंसानो क्या व को नून ये क्या छुटी की नेकी, क्या फलिफा रे लिफरा सीन रात ते हिता रास्ता दाल क्या फलिफा नून बड़िए ने दिखाने, क्या बड़िए के लाम हमजा बड़िए लिए अलिफ सिन इस दाल दुन ये लिफिया दुनिया नीम ये नुनुना में बे हेते बहुत सीन बड़िए से नुन बे नब बे छोटी भी नबी बे हे ये बे जिम बड़िए जे भेजे। इंसानों नेकी रास्ता दिखाने भेजे, इन अल्फाज को हम खुदकशीदा करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों को नेकी का रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में बहुत से नबी भेजे। अलिफ नून इन नून बे ये व नून गुना नबियों नून बड़िए ने अल्लाह ताला क्या बड़िए के अलिफ एह क्या फलिफ का मीम अलिफ मात मात एह का मात, एह का मात मतलब हुक्म बातें लाम्बो लोग गाफो गो नून गुन्ना लोगों ते क्या तक पे है नून पहुंचे लिफ्चा हमजा बड़िए पहुंचाए। इन नबियों ने अल्लाह ताला के अहकाम लोगों तक पहुंचाए, नबियों अहकाम पहुंचाए, इन अल्फाज को हम खतकशीदा करेंगे। अल्लाह ताला नून बड़िए ने चेलिफ चाह रे चा नून बे ये वो नून गुना नबियों पेरे पर क्या फिलफता बे किताब बे ये बे नून गुना किताबें नून अल्फना जिल अंजिल नाजिल फेरे पर नीम अल्फमा हमजा ये नून गुना फरमाई। अल्लाह ताला ने चार नबियों पर किताबें नाजिल फरमाई, किताबें नाजिल फरमाई, इन अल्फाज को हम खतकशीदा करेंगे। अलिफ नून इन क्या फेलिफ्ता बेवबो नुनगुना किताबों, क्या फो को अलिमदासिन आसमी मलिफमा नुन छोटी नी आसमानी, क्या फेलिफ्ता बे ये नुनगुना किताबें, क्या फे कहते बड़िए ते कहते हे ये नुनगुना है। इन किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं, आसमानी अल्फाज को हम खतकशीदा करेंगे और कहते को। अलिफ नुन इन अलिफ मद दाल सीन आस मीम अलिफ मा नुन छोटी नी आसमानी, क्या फेलिफ्ता बेव बो नुन गुना किताबों, क्या बड़ी के नुन अलिफ ना मीम नाम ये है ये नुन गुना है। इन आसमानी किताबों के नाम ये हैं, नंबर एक ते वो तो रेलिफरा ते तोरात, नंबर दो जे बे पेश व बू रे जबूर, नंबर तीन अलिफ ज़े नून इन जीम ये लाम जील इंजील, नंबर चार काफ़िश कुर अलिमद आ नून आन कुरआन मीम जीम ये दल मजीद कुरान मजीद, नंबर एक तौरात, नंबर दो ज़बूर, नंबर तीन इंजील, नंबर चार कुरान मजीद। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को नेकी का रास्ता दिखाने के लिए दुनिया में नबी भेजे। इन नबियों ने अल्लाह की अहकामात अल्लाह के हुक्म लोगों तक पहुंचाए और अल्लाह ताला ने चार नबियों पर किताबें नाजिल फरमाई। उन किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। उन आसमानी किताबों के नाम ये हैं, नंबर एक तौरात, नंबर दो ज़बूर, नंबर तीन इंजील, नंबर चार कुरान मजीद। नंबर एक तेवा तो रेलिफरा ते तौरात ये ही ये अलिमदा सिन आस मीम अलिफमा नुन छोटी नी आसमानी, क्या फेलिफ्ता बे किताब हिजवत हज रेते रत हजरत
मीम वाव मीम पेश मू सीन खर्ज छोटी एक मूसा अलैह सलाम तेरे पर नून अल्फना ज़िल अम्ज़िल नाज़िल हे वो हमज़ा छोटी हुई। नंबर एक तौरात ये आसमानी किताब हज़रत मूसा अलैह सलाम पर नाज़िल हुई। तौरात हज़रत मूसा हुई। इन अल्फाज़ को हम खत कशीदा करेंगे। नंबर दो ज़बूर ज़े बे पेशवर बूर ज़बूर ये अलिफ मदा सिन आस मीम अलिफ मान नून छोटी यानी आसमानी क्या सिलसा बे किताब हज़रत हज़रत तेरत हज़रत दाल अलिफ दा हमज़ा वाव दाल दाऊद अलैहिस्सलाम पेरे पर नून अलिफ ना ज़िल अम्ज़िल नाज़िल हे वाव हमज़ा छोटी हुई। नंबर दो ज़बूर ये आसमानी किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इन अल्फाज़ को हम खत कशीदा करेंगे। नंबर तीन इंजील अलिफ ज़ेर नून इन जीम ये लाम जील इंजील ये अलिफ मदा सीन नीम अलिफ मान नून छोटी नी आसमानी क्या सिलिफ ता बे किताब हज़रत हज़रत तेरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तेरे पर नून अलिफ ना ज़ेर लाम ज़िल नाज़िल हे वो हमज़ा छोटी हुई। नंबर तीन इंजील ये आसमानी किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन अल्फाज़ को खत कशीदा करेंगे। नंबर चार काफिशिकुर अलिफ मदा नून कुरान नीम जीम ये दल मजीद कुरान मजीद ये अलिफ मदा सिन आस नीम अलिफ मा नून छोटी नी आसमानी क्या सिलिफा बे किताब हे नीम अलिफ मा रे बड़िए रे हमारे पे ये लिफिया रे बड़िए रे प्यारे नून बे नब्बे छोटी बी नबी हज़रत हज़रत तेरत हज़रत मोहम्मद नीम पेशमो हे नीम दल हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पर नून अलिफना ज़िल अम्ज़िल नाज़िल हे वहु हमज़ा छोटी हुई। नंबर चार कुरान मजीद ये आसमानी किताब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज़ को हम खतकशीदा करेंगे। तो आज हमने अल्लाह ताला की किताबों के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को नेकी का रास्ता दिखाने के लिए दुनिया में नबी भेजे, उन नबियों ने अल्लाह की अहकामात लोगों तक पहुँचाए और अल्लाह ने उन नबियों पर किताबें नाजिल फरमाईं। उन किताबों को हम आसमानी किताबें कहते हैं और उन आसमानी किताबों के नाम ये हैं। वो चार आसमानी किताबें हैं, नंबर एक तौरात, नंबर दो ज़बूर, नंबर तीन इंजील और नंबर चार कुरान मजीद। तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। प्यारे बच्चों, अब आपने सफ़ा नंबर 15 की यहाँ तक पढ़ाई कर ली, नंबर 4 कुरान मजीद तक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।